नमस्ते। विभिन्न तकनीकी चार्ट के प्रकार और ज्यादातर लोग क्या उपयोग करते हैं। शेयर बाजार पूरी तरह कीमतों का खेल है। यदि आप स्टॉक को गलत कीमत पर खरीदते हैं तो स्टॉक आपको नुकसान में ले जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि किसी भी स्टॉक को हमें किस कीमत पर खरीदना चाहिए और किस कीमत पर स्टॉक को बेचना चाहिए। इसे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि चार्ट क्या है। तो सबसे पहले हम तीन व्यापक रूप से प्रयुक्त टेक्निकल चार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट्स। लाइन चार्ट्स, एक सिंगल लाइन जो स्टॉक की कीमतों को आपस में जोड़ती है उसे लाइन चार्ट्स के रूप में जाना जाता है। लाइन चार्ट सबसे सरल चार्ट है। इसका उपयोग अक्सर समय के अंतराल पर डेटा की प्रवृत्ति की कल्पना करने के लिए किया जाता है। चलो मानते हैं कि 31 मार्च 2018 को स्टॉक का समापन मूल्य ₹120 था। चार्ट में इसे प्लॉट करने के लिए आपको इस तरह से डॉट लगाना होगा कि यह एक्स एक्सिस पर उस तारीख के अंकन के ठीक ऊपर हो और निशान के साथ जो कि वाई एक्सिस पर ₹120 हो। इसी तरह आपको अन्य सभी तिथियों के लिए करना है। अब अगले स्टेप में एक पंक्ति के साथ प्लॉट किए गए सभी बिंदुओं को कनेक्ट करना है। अब आपका अपना लाइन चार्ट बनकर तैयार है। दिखाए गए चार्ट में आप देख सकते हैं कि सितंबर से नवंबर की अवधि के बीच 2100 से 2200 की कीमत के बीच है। अगला है बार चार्ट। बार चार्ट लगभग लाइन चार्ट के समान ही होता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक जानकारी होती है। यहाँ बार चार्ट पर प्रत्येक अंकन एक ऊर्ध्वाधर रेखा के आकार में है, जिसमें दो क्षैतिज रेखाएं हैं जो दोनों तरफ से बाहर निकलती हैं। एक चार्ट में खुले, उच्च, निम्न और करीबी डेटा सेट होते हैं जो एक ऊर्ध्वाधर लाइन में बार या OHLC चार्ट के रूप में जाने जाते हैं। नीचे OHLC चार्ट दिखाया गया है। अगला है कैंडलस्टिक चार्ट्स। वे टेक्निकल उपकरण जो एक ही मूल्य चार्ट में विभिन्न समय सीमा के लिए डेटा पैक करते हैं। एक चार्ट जिसमें मोमबत्ती के रूप में खुले, उच्च, निम्न और करीबी डेटा सेट होते हैं वह कैंडलस्टिक चार्ट के रूप में जाना जाता है। नीचे कैंडलस्टिक चार्ट दिखाया गया है। हमने टेक्निकल एनालिसिस में उपयोग होने वाले तीन मुख्य चार्ट के बारे में चर्चा की है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कौन सा चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमारे पास इसका भी समाधान है। बार और कैंडलस्टिक चार्ट व्यापक रूप से खुले, उच्च, निम्न और करीबी डेटा के रूप में उपयोग किए जाते हैं जो डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी का भी अवलोकन करते हैं। कैंडलस्टिक और बार चार्ट समान डेटा दिखाते हैं। हालांकि कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ने में आसान होते हैं क्योंकि ट्रेडर इसको तुरंत देख सकते हैं और वे आसानी से ओपन, क्लोज, हाई और लो के बीच तुलना कर सकते हैं। ओपन और क्लोज के बीच में यह संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कैंडलस्टिक का सार को बनाता है। एक और कारण है जो बार चार्ट की तुलना में कैंडलस्टिक चार्ट को और अधिक आकर्षक बनाता है, जो कि स्पेसिफिक पीरियड टाइम की अस्थिरता के बारे में जानकारी देता है। बार चार्ट्स में अस्थिरता प्रदर्शित होती है जो प्रत्येक ट्रेडिंग डे के अंदर होती है। दूसरी तरफ कैंडलस्टिक चार्ट दो रंग के होते हैं, हल्का रंग और गहरा रंग। जब ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से अधिक होता है तब वे काले या लाल होते हैं, और जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से अधिक होता है तब वे हरे या सफेद होते हैं। इसलिए ट्रेडर बार चार्ट्स की तुलना में कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग अधिक करते हैं क्योंकि वे काफी अच्छे से दिखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की एक शाखा भी है जो भविष्य के प्राइस मूवमेंट का पूर्व अनुमान लगाने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट द्वारा गठित विभिन्न पैटर्न का अध्ययन करती है और साथ ही उसके उल्टे होने का भी अध्ययन करती है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.